दोस्तों, हम सभी बचपन से यह सुनते आए हैं कि आगरा का ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल का नाम दुनिया के 7 अजूबों में कुछ साल पहले ही जुड़ा है। दरअसल दुनिया के 7 अजूबे 2007 में पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि साल 2000 से 2007 के बीच स्विट्जरलैंड के फाउंडर वंडर द्वारा दुनिया के 200 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को लेकर सर्वे कराया गया था और फिर इस तरह से 2007 में जाकर दुनिया के नए 7 अजूबों की लिस्ट तैयार की गई थी। और अगर दोस्तों हम पुराने 7 वंडर की बात करें तो उसमें पैरामिड ऑफ गीजा, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, टेम्पल ऑफ आर्टिमिस, स्टैचू ऑफ यीशु एट ओलंपिया, मैसोलियम एट हेलिकोनोसस, कोलोसस ऑफ रोडस और लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया शामिल है। हालांकि 2007 में यह लिस्ट अब पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि वर्ल्ड के 7 वंडर अब बदल गए हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के नए 7 अजूबों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दरअसल चीन की इस दीवार को 5th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक बनाया गया था और इस दीवार को बनाने में करीब 20 से 30 लाख लोगों ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी। यहाँ तक कि 6400 किलोमीटर में बनी हुई इस दीवार को कई सारे राजाओं ने मिलकर बनवाया था। दोस्तों, इस दीवार का उद्देश्य चीनी साम्राज्य पर हमला करने वाले दुश्मनों से रक्षा करना था और यह दीवार इतनी बड़ी और लंबी थी कि इसे अंतरिक्ष से भी आसानी से देखा जा सकता है। इतना अद्भुत होने की वजह से इसको दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। और दोस्तों, कुछ इस तरह से 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर है पेट्रा जॉर्डन। जॉर्डन देश के अंदर पेट्रा ऐतिहासिक शहर है, जो कि लाल चट्टानों को काटकर बनी हुई इमारतों के लिए जाना जाता है और यहां पर मौजूद इमारतों में 138 करोड़ ऊंचा मंदिर है, ओपन स्टेडियम है, नहर और तालाब जैसी कई सारी चीजें शामिल है। इस अद्भुत कला की वजह से लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं और इसीलिए इसको भी 7 वंडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया। तीसरे नंबर पर है क्राइस्ट द रिडीमर। यह ब्राजील के रियो डी जनरेल में स्थित है। ईसा मसीह की प्रतिमा है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू में शामिल किया गया है और करीब 40 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी इस स्टैचू का वजन 365 टन के आसपास है और इसका निर्माण 1922 से 1931 के बीच किया गया। और इसकी खास बात यह है कि जिस पर्वत की चोटी पर बनी है, वहां से पूरे शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है और यही देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं। अब चौथे नंबर पर है हमारा अपना ताजमहल। ताजमहल हमारे भारत के आगरा में स्थित है और यह सफेद संगमरमर से बना हुआ मकबरा है, जिसे कि 1932 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। 42 एकड़ में बना ये मकबरा लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच लाता है और ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। पांचवें नंबर पर है कोलोसियम। दरअसल कोलोसियम इटली देश के रोम में स्थित रोमन साम्राज्य का एक विशाल स्टेडियम है और 24,000 स्क्वायर मीटर में फैले हुए इस जगह पर जानवरों की लड़ाई, खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम की कई तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। और दोस्तों, वर्ल्ड की इस विशाल स्टेडियम को कंक्रीट और रेत से बनाया गया है। हालांकि प्राकृतिक आपदा और संकट से थोड़ा सा भाग ध्वस्त हो गया है, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसी की वैसी है। अब सिक्स्थ नंबर पर है माचू पेचू। यह दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। यह एक पहाड़ पर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2430 मीटर है। इसकी खूबसूरती देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसको हिस्टोरिकल प्लेस की लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है। और अब आखिरी और सातवें नंबर पर है चेचेन इट्जा। 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ एक ऐसा शहर है जहां पर कई सारे पैरामिड, मंदिर, खेल के मैदान बने हुए हैं। दोस्तों, एक पैरामिड के चारों तरफ कुल मिलाकर 365 सीढ़ियां हैं और यहां पर हर एक सीढ़ी को एक दिन का प्रतीक माना जाता है। यहां पर पवित्र कुएं के साथ साथ खगोलिया वेधशाला भी मौजूद है और 2007 में स्विट्जरलैंड के न्यू 7 वंडर के फाउंडेशन में इसे भी अपनी लिस्ट में शामिल किया गया। दोस्तों, ये थी विश्व के नए 7 अजूबों की लिस्ट। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले।